हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और ये गेम मैंने पहले कभी नहीं खेली और इसका गेम प्ले कभी कभी देख लेता हूं बच्चों के साथ बैठ के लेकिन खुद कभी नहीं खेली क्योंकि मुझे इसकी ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन अब देखते हैं ये गेम मेरे ऊपर क्या असर डालने वाली है और ये गेम कैसी है कि इसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है और डिफिकल्टी कर देते हैं पीस इजी नॉर्मल हार्ड हार्ड कर देते हैं गेम मोड सर्वाइवल ठीक है क्रिएट न्यू वर्ल्ड नाम तो रख लें अपना क्राउफ लेर तो ये लोडिंग हो रही है हमारी वर्ड जनरेट हो रही है देखते हैं कि क्या होता है फोर्टी परसेंट लोडिंग हो गई ये पहली वाली लोडिंग मेरे ख़्याल में टाइम लगाती हो कि बाकी इस गेम में ग्राफिक्स तो ऐसे है नहीं कि ये लोडिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगाए और ये हम ट्रीज़ के ऊपर स्पॉन हुए हैं इतना ऊपर ट्री के ऊपर हम स्पॉन हुए हैं और अब देखें हम क्या कर सकते हैं इसमें ये क्या है? अच्छा दरख्तों को काटना है एप्पल मिल गया और पहले हम जमीन तक तो हैं ये सारे पत्ते जो है ना हमने साफ कर देने सारा का सारा जंगल साफ कर देना और ये अभी हम पत्ते भी साफ कर रहे हैं देखें इनमें से हमें क्या मिलता है अच्छा पत्तों से हमें मिला है जी ओक्स सैपलिंग ओक सैपलिंग का क्या फ़ायदा नीचे से आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे कोई जोम्बी वगैरह फिर रहा हो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें यह ना हो कि मेरे गेम प्ले आप देख ना सकें जब दोबारा आपने ढूंढना हो आपको मिले ना नाम आप भूल जाएं कुछ भी हो सकता है एक आपने नाम याद रखना है क्राफ्ट्स लेयर और दूसरा सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन ऑन कर देने हैं ये क्या है जी अच्छा पहले यहाँ पे कुछ क्राफ्ट करते हैं क्राफ्ट क्या से करते हैं ईद बाया रेसिपी खोलते हैं ओक वुड ओक प्लांट ओक लॉग अच्छा जी ओक वुड नहीं वुड नहीं, वुड़ नहीं वुड़ बन वुड बना लें एक हम वुड बना लेते हैं एक हम प्लैंक बना लेते हैं अच्छा चार चार बनते हैं। ठीक है जी ये वुड का क्या काम है क्राफ्टिंग टेबल रेसिपी अच्छा ये ऐसे क्राफ्ट करना है क्राफ्ट हो गया ओक प्लैंक फायदा इसका वो हम वैसे ही ओक लॉग से ओक प्लैंक बना लें जरूर इससे हैं सुना है इस गेम में बहुत जोम्बीज वगैरह आते हैं अभी हम यहाँ पे क्राफ्ट ओक लॉग ये क्या अच्छा जी हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर अभी फिलहाल वक्त प्लैंक बना सकते हैं और ओक प्लैंक्स अब इस प्लैंक का क्या करना है अच्छा डोर बन सकता है इससे ओक की स्लैब बन सकती है स्टेयर्स बन सकती हैं और ये क्या है फेंस है स्टिक्स मेरे ख्याल में इस चीज़ को तोड़ने के लिए ये पत्थर है इसको तोड़ने के लिए हमें स्टिक्स चाहिए होंगी क्योंकि स्टिक के ऊपर ही कुछ करेंगे तो ये अब ये स्टिक कैसे बनेगी अच्छा ठीक है ये क्या सही है भाई जितनी दफ़ा मर्जी कर लो अब इस स्टिक को पकड़ के तोड़ते हैं इसको ये तो काफी टाइम लगा रहा है और हमें कुछ मिला भी नहीं मैंने गेम प्लेज में देखा वो लोग तोड़ रहे होते हैं उसके अंदर से कुछ निकलता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये क्या है वो डेस्क नहीं अच्छा ये वुड पिक एक्स है इसके लिए हमें प्लैंक चाहिए प्लैंक तो बनाने आते हैं हमें पहले पहले हम ऐसा करते हैं ट्रीज़ को काट के प्लैंक तो बनाते हैं बल्कि मैं सोच रहा हूँ पहले काफ़ी सारे जो है ना एक एक्स बना लेते हैं उधर एक्स भी बना हुआ था क्योंकि उससे दरख्त काटना बहुत आसान हो जाएगा हमें ईजी हो रहेगा इधर से यहाँ पे नहीं 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 ये नहीं करना था प्लैंक के लिए अच्छा सिंपल ऐसे रख देना है इसको यहाँ पे रख के सही ये दो स्टिक्स बनाते हैं और इसकी रेसिपी क्या थी ओक एक्स अच्छा जी और एक इसकी रेसिपी पहले हम दो बनाने जा रहे थे ये बना नहीं अब देखें क्या होता हालांकि हमारे पास प्लैंक तीन थे तीन प्लैंक के साथ भी ये नहीं बना इस दरख्त को तोड़ते हैं बहुत ही आड़ा तिरछा सा दरख्त है टूट जा भाई ये ओक ट्री के लॉग्स नीचे गिर रहे हैं ये अच्छा इतना इसका लेवल है इससे ज्यादा ऊपर नहीं तोड़ सकता अच्छा ये सॉड एक ये मतलब कि यहाँ तक ये यह नहीं तोड़ सकता अब इसको तोड़ते हैं अच्छा नीचे मट्टी है वैसे ही ओ नीचे पानी भी है ये पता नहीं क्या चीज है जैसे हमने ये तोड़ा इससे हमें कुछ नहीं मिला अच्छा शिफ्ट दबा के करें तो ये सारे के सारे इकट्ठे ही कन्वर्ट हो जाते हैं अब हम ऐसा करते हैं एक वुड पिक्स बनाते हैं तीन बना लिया अब इसको तोड़ते हैं ओ अच्छा अब ये हमारे पास इसका ब्लॉक निकल के आया है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पहले जब हमने स्टिक से तोड़ा था तब इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला था ये मेरे ख़्याल में इसमें टायर सिस्टम होगा क्या इस तरह के पिक से ये हो सकता है क्योंकि कुछ मैंने सुना है कोई डायमंड की पिक अच्छी होती है स्टोन वाली कुछ बुरी होती है ये क्या है? ओके कोल है ये सिंपल कोल है इससे कोई रोटियां वगैरह पकाएंगे हम क्यों नहीं टूट रहा भाई टूट जा अच्छा इस ओ ये पिकेक्स की भी पावर कम हो रही है अब हम यहाँ पे स्टिक लगाते हैं ऐसे था पिकेक्स का कोई रेसिपी और ऊपर स्टोन ओके स्टोन पिकेक्स ये भी हम काफ़ी सारी ले लेते हैं जितनी बन सकती हैं अब ये हमारे शुरू में स्टोन पिकेक्स है अच्छा इससे जल्दी जल्दी हो रहा वुड वाली से इतना स्पीड से नहीं हो रहा था इससे काफ़ी स्पीड से हो रहा इतना ज्यादा कोल यहाँ पर सुना रात को जॉम्बीज वगैरह भी फिरते हैं वो इस प्लेयर को मार देंगे हमने शुरू में ही हार्ड चला लिया खैर वर्ड तो एक ही दफ़ा बन सकती है इसलिए डी ठीक है न, ये इधर अच्छा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्थर हैं सारे स्टोन डिफरेंट टाइप के हैं इनके नाम देखें अच्छा ये एंडेसाइट एंडीसाइट एंडीसाइट ये है कोबल स्टोन एंडी सेट वो रात हो गई रात होने वाली है जल्दी से हम यहाँ पे छुप जाते हैं ये ना कोई ज़ोंबी वगैरह आ जाए जल्दी 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 कैंप फायर नहीं बना सकते ये लीवर है टॉर्च चलो ये तो हम टॉर्च तो बना सकते हैं मैं सोच रहा हूँ हम इसी के अंदर ही रात पूरी गुजार देते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास घर बनाने का टाइम नहीं था ये ना हो कि रात को कोई जोम्बीज वगैरह आके हमारे ऊपर अटैक करें गाइज अगर आपको मेरे गेम प्लेज अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ये हमारी सीढ़ियां हैं यहाँ से हम नीचे उतरेंगे थोड़ा इसको ना बड़ा बना लेते हैं। कुछ जगह होनी चाहिए मेरे चैनल को लाइक करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सॉरी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना इसको हम क्यों तोड़ रहे हैं इधर से रास्ता बन जाएगा नीचे क्यों नहीं जा रहा उठा ले भाई उठा ले जल्दी कर कुछ जोम्बिज वगैरह ना आ जाए ये हमने यहाँ पर रख दिया चांद आ गया ओके अंधेरा हो गया कोई फिक्र की बात नहीं हमारे पास टॉर्च है टॉर्च ये है ओ क्राफ्टिंग टेबल तो ऊपर ही रह गया अब क्या करेंगे इतनी रोशनी काफी है चलो नीचे नीचे माइनिंग करते रहते हैं हो सकता है कुछ मिल जाए ये क्या अच्छा उधर से हमने इधर ही माइनिंग शुरू कर देते हैं। जितनी देर सुबह नहीं होती उतनी देर तक हम यहां पे माइन करेंगे ये हमने ना यू सीढ़ियाँ बनाते जाते हैं एक सीढ़ी ये बन गई पर इधर से चलो यही तोड़ के बाहर निकल जाएंगे चलें गाइस अभी मैं नीचे तक माइन करता हूँ जितना नीचे तक डीप माइन हो सकी और फिर आपको उसके बाद की वीडियो दिखाता हूँ तो गाइस मैं माइन कर रहा था नीचे की तरफ इतना कर लिया और ये मुझे कोल मिला है, और ये मैं अभी लूँगा थोड़ी देर हम माइन करते हैं और तब तक ऊपर सुबह भी हो जाएगी तो हम बाहर निकलेंगे देखेंगे अपने बाकी चीज़ें एक पहले सबसे पहले मैं एक घर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं रह सकूं और ये हमें काफी ज्यादा कोल मिल गया वुडन पिकेक्स से हम ये तोड़ रहे हैं और हमारे पास अच्छा दूसरी भी काफी सारी है चलो पहले ये यूज कर लेते हैं कोल यार इस गेम को खेलने में मज़ा बहुत आ रहा है ग्राफिक्स चाहे जैसे भी हैं लेकिन गेम को खेलने में मज़ा बहुत आ रहा गेम का आइडिया बहुत कमाल है जिसने भी बनाया ना कमाल बनाया <coughs> ये पिक स्टूडियो तो एक दफा हम ऊपर जाके देखेंगे कि सुबह हुई है कि नहीं बल्कि वो मेरे पास टॉर्च ही नहीं है ज़्यादा नीचे तक जाते हैं तो टॉर्च ख़त्म हो जाती है अब इस टॉर्च की लाइट पाँच छः ब्लॉक्स और नीचे तक जाएगी फिर बंद हो जाएगी बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता अच्छा गाय इसमें खाने पीने का क्योंकि यहाँ पे ये कुछ मीट शो कर रहा है इसके लिए क्या करना पड़ता है आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि ये ना मेरा करैक्टर बुक से ही मर जाए ओ हो हो ये तो मुझे ऐसी गेम लग रही है जिसमें घंटों जय किए जा सकते हैं वो तो बैठ के खेलते जाओ माइनिंग करते जाओ टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया अब ऊपर चल के देखते हैं अगर दिन हो गया तो हम ऊपर अपनी पहले बेस बना लेते हैं ये वाली माइनिंग हम हमेशा स्टार्ट रखेंगे अच्छा जी वो स्टोन पिकेक्स नहीं पहले वुड वाली <coughs> सॉरी पहले वुड वाली पिकेक्स यूज करते हैं दिन हो गया ओ भाई वो जल रहे हैं जल रहे हैं पता नहीं उन वो होते ही ऐसे हैं ओके <स्याएं> okay, यहां ये क्या हमें मिला रॉटन फ्लैश इसको हम इसे कोई चीज तोड़ तो नहीं सकते अच्छा अभी भूख नहीं लगी चलो सुबह तो हो गई हम ये तोड़ते हैं। आज के गेम प्ले में हम बस अपनी बेस बनाएंगे और बस बाकी चीजें बाद में माइनिंग वगैरह बाकी जो है ना वो बाद में देखेंगे पहले हम ये जो चीज हमें करीब करीब मिल रही हैं कोल जैसे है इसको सारे को निकाल लेते हैं वैसे कोल हमारे पास काफी हो गया लगता है इस गेम के अंदर कोल काफी ज्यादा वो स्पॉन करता है या सिर्फ मेरी गुड लक है कि ये मुझे मिला है कुछ भी हो सकता है अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये हर किसी को कॉल ज़्यादा मिलता है या सिर्फ मुझे मिला है। अच्छा जी तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहीं पे बेस बना लेते हैं ये जगह अच्छी है और काफ़ी खुली भी है यहाँ पे दरवाज़ा बना लेंगे नहीं उस तरफ दरवाज़ा एक एक पत्थर लगा हुआ एक एक और लगा लेंगे ऊपर टेन बाय टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसको तोड़ दे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर अच्छा ज़्यादा करीब से भी नहीं लगा सकते अब कितने हो गए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं ये टेन बनता यहाँ पे हम एक दरवाजा लगा देंगे और इसको तोड़ देते हैं क्या डिफरेंट स्टाइल के पत्थर जो हैं स्टोन्स हैं उनका डिफरेंट यूज होता है या एक ही यूज है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताए मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कौन से यूट्यूबर का सबसे अच्छा कासल या बेस है तो हम उससे भी अच्छी बेस बनाएंगे आप मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो हम बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं ये तो दरवाजे की है एक जगह हमने बंद कर दिया एक, दो तीन चार एक दो तीन चार चलो इसको तोड़ लेते हैं दीवार बना लेते हैं ऊंची ऊंची नीचे माइनिंग में जितना भी हमने पत्थर तोड़ा था सारे से सिर्फ एक कमरा बन रहा ये तो काफी टाइम गेनिंग गेम है यार पर ये बहुत मजे की मुझे लग रही है इतनी ज़बरदस्त गेम है ग्राफिक्स को छोड़ के बाकी हर चीज़ इसकी बेस्ट है और ग्राफिक्स ये भी ठीक है क्योंकि ब्लॉक सिस्टम है इस पूरी गेम के अंदर और हर चीज़ को इन्होंने जनरेट किया होगा अलग अलग ऊपर बादल भी ब्लॉक्स की शेप में है बहुत कमाल है भाई इसको अब हम तोड़ेंगे तो ये पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं एक दफा तोड़ ही देते हैं मिल गया तो ठीक नहीं तो नया बना लेंगे प्लैंक है हमारे पास मिल गया इसको ला के यहाँ पे रखते हैं अच्छा बेड की रेसिपी देखते हैं बेड 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 ऑल बेड की कोई रेसिपी नहीं है यार लकड़ी का बेड होता है लकड़ी तो है हमारे पास तलवारें अच्छा एक तलवार बनवा लेते हैं जे के टेस्ट सही है सामान रखने के लिए फर्नेस खाना पकाने के लिए सही है ओक्साइन एक ये ले लेते हैं डोर अच्छा एक एक साथ तीन तीन चीज़ें भी बन जाती हैं अभी पहले हम यहां पे डोर लगाते हैं, डोर लगाएंगे हमने दीवार थोड़ी ऊंची बना दी है ये तो दो ब्लॉक्स का ही डोर है खैर छत भी डाल देते हैं। और आ, हमारे पास कोल है ना हाँ कोल काफ़ी है स्टिक्स भी हैं इसके अंदर लाइटनिंग का भी कोई लाइटिंग का लाइटनिंग का नहीं लाइटिंग का भी कोई सिस्टम कर लेते हैं ओके okay. ये नीचे की तरफ पता नहीं नया नया खेल रहे हैं खैर नीचे की तरफ तो ऐसे आ जाएगा जब हम इसके प्रो बन जाएंगे ना फिर दुनिया देखेगी और हम खेलेंगे अंधेरा हो गया अच्छा इनको तो पहले तोड़ लेते हैं इनको तोड़ते हो तोड़ते है, हमारी अपनी पिकेक्सी टूट गई यहाँ पे देखते हैं स्टिक स्टिक कुछ और बना लेते हैं ये रेसिपी थी शिफ्ट दबा के दबाओ तो सारी चीज़ें जो है ना वो एक जैसी बन जाती हैं अच्छा अब कोल की साथ उसकी रेसिपी क्या थी नीचे एक स्टिक ऊपर एक कोल अच्छा ये इधर रख के देखें तो फिर शायद हो जाता है ओके इससे भी हो जाएगा यानी कि कहीं पे भी बस एक स्टिक और एक कोल बनाना स्टिक कोल नहीं ये स्टिक्स काफ़ी सारी हमने बना ली हैं हर दीवार पे अंदर भी दो दो लगा देते हैं बाहर भी दो दो एक दो तीन जैसे भी एक दो तीन ठीक है तीन तीन का फासला एक दो तीन एक दो नहीं जैसे एक दो तीन थोड़ी डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए बाहर भी लगा देते हैं ताकि जॉम्बीज को पता हो कि ये हमारा घर है वो अपना मकान ना समझ के अंदर घुसए इधर इधर एक दो तीन इधर भी तीन का गैप है फिर से रात हो रही है यार एक तो इसमें रात बहुत जल्दी हो जाती है अभी तक हमने बेड भी नहीं बनाया एक दो एक दो तो इसको तोड़ते हैं इधर तीन एक दो तो तीन थी। तीन ओह इतनी ऊंचाई से गिरा ऐसे कुछ नहीं हुआ फिर एक, दो तीन चार लो जी हमारा घर तो हो गया बिल्कुल सेट रोशनी भी काफ़ी है लेकिन अभी सोने की कोई जगह नहीं है तो बेड की रेसिपी क्या है आप नीचे कमेंट्स में बताएं बेड की रेसिपी नीचे कमेंट्स में बताएँ ताकि मैं बेड बनाकर उस पर सो सकूँ तो रात जल्दी कट जाएगी ऐसे मुझे सारी रात जा के गुज़ारनी पड़ती है तो मिलते हैं अगले गेम प्ले में तब तक के लिए बाय बाय